मगर जब उस कोई उत्तर भी नहीं है, महाराज का काम हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर उसने बता बढ़ते फिर हीरी बढ़ते हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब निकाल आ गया। हिसाब देखकर मंत्री तो चार फे के हो पड़े गए, हम चेक करा गए, मतलब गिर गए। वे उनका पसीना पदक से छूट कर जाता। दाढ़ी में हाथ फेरने ते हुए बोले, ये क्या सही हिसाब है? सभी से इतना धन चला जाएगा तो फिर 20 दिन तक अंत में किसने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं कितना है, ये पूरा हिसाब तो नहीं है। मंत्री ने बोला, तो पूरा ना तो तुरंत बैठकर सभी पूरा हिसाब दो। भंडारी साफ करने बैठा गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर फेर कर लौट गया। तेज से पंखे पीसा स्पीड करवाई पंखों की। कुछ ही देर में पांडली ने पूरा हिसाब कर दिया। मंत्री ने कुल मिलाकर इतना हुआ। मंडली ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10 लाख। और 38,000 10 लाख 38,000 5,504 रुपये। मंत्री गुस्से से बोला, महाजूर कर रहे हो, मजाक कर रहे हो या सी अनसी सनत संत को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, महाराज क्योंकि करूँगे, आप है हिसाब देखिए। यह कहकर उसने हिसाब का पन्ना मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री तो चक्कर आ गए और सभी
सभी तभी उन्हें उधर सामला बड़े मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री, बोलो राज। राजकोष, मंत्री ने बोला, राजकोष खाली हो रहा है। राजा ने पूछा यह कैसे? मंत्री बोला, राजा संत को अपनी भिक्षा देने का आपका हुक्म दिया है, मगर अब पता है चला है कि उन्होंने इसे तहरा तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए छटकले का उपाय कर दिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मेरे इन नाते रुपए किसका अनुदेश तो नहीं दे था, फिर इतना रुपए क्यों क्या कहाँ जा रहा? पांडली बोलो। मंत्री ने कहा, जी सभी कुछ अपने हुक्म की अनुसार ये रुपए हुआ है। आप बुध के दान का हिसाब दिखा देंगे। राजा ने उसे एक बार देखा तो दो बार देखा। इस बार का यह वह विशोष हो गए। कोशिश के बाद उन्हें होश आ गया, पर लोगों संत को बुलाने दौड़े। संत ने अति ही राजा रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़े। बोले, दुहार है संत महाराज, मुझे इस तरह जान मान से मत मांगेंगे। जैसे भी हो जाए, समझौता करना मुझे वचन से मुश्किल कर देगा। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दे जाए तो राजकोष खाली हो जाएगा। फिर राजा का काज
कैसे चलेगा, राजा का राज कैसे चलेगा। संत ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोगों अकल से मर रहे हैं। मुझे ऊना है उन्हें लिए कम की बाल केवल 5,000 रुपये वे रुपए मिलते मिलते ही मैं समझूंगा मैं मुझे मेरा पूरा दान मिल गया। राजा ने कहा, परंतु इस दिन का आदमी ने मुझे कहा था कि लोगों ने किया 10,000 रुपये की बात होगी। संत ने कहा, मगर आज तो कहता हूँ कि 5,000 से एक रुपया कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाना मंत्री गिड़गिड़ाया, सभी गिड़गिड़ाए, मगर संत अपने वचन पर अटल रहा। अचानक लाचार होकर राजकोष से 5,000 रुपये संत को देने के बाद ही राजा के दावी पूरे देश में खबर फैल गई कि कालू के कारण राजकोष से 5,000 रुपये कहना में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज करनी जैसे वो दानी है। दूसरी बात पे स्टोरी मैंने कहा था कि मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊंगी, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक राजा था जो राजा अपने वस्त्र मस्त पे पैसे खर्च करता रहता था, बट दान की बात आती थी तो वो एक भी रुपये नहीं देता था दान में। तो और उसके ना बहुत सारे नामी लोग आते थे, ऐसे नामी लोग, ऐसे राजा लोग, बहुत सारे अमीर लोग, संत महंत बहुत तो आते रहते, बट भिखारी दुखी सज्जन कोई भी नहीं आता। कि क्यों नहीं आता था, क्योंकि उनका महल में सम्मान नहीं किया जाता था। एक बार आक्रमक मतलब कि यहाँ पे वो नहीं हो जाती, जमीन बिल्कुल सूखी सूखी थी, जमीन हो गई और पानी वानी की बहुत, उस कारण बहुत सारे लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो एक दिन उनको महाराज को ये खबर पहुँची, तो महाराज ने कहा, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो जिस जैसे उसे उन्हें उन जो लोग थे उनने बोला, हमें कुछ पैसे दे दो जिससे हम अनाज खा सकें और हम जो जी सकें। तो उसने बोला, ये तुम लोगों को मैं क्यों दूँ, मतलब कि तो ऐसे तो कल तूफान आ जाएगा तो मैं पूरा अपना राजकोष खत्म कर दूँगा, मतलब कि पूरा धन दे दूँ। इधर ये अकल का पीकोड़ जा रहा, ऐसे कि यहाँ पे अभी तो सूखी ही पड़ी है जमीन है, तो कल सभी लोग भूखे मर रहे थे, तो रोज की तरह
तो एक बार राजा के पूछा, राजा से पूछा उन्हें, राज मैं बुहारा मोरा गया दुहा। दोबारा महाराज के पास पहुँचे सभी लोग। महाराज से दोबारा से बोला, महाराज हमें कुछ पैसे दे दीजिए, सिर्फ हमें 10,000 दे दीजिए और हमें नहीं चाहिए। राजा ने कहा 10,000। उन लोगों ने बोला कि हमें 10,000 रुपये दे दीजिए बस, और हमें नहीं चाहिए, इसी में हम एक समय की तो रोटी खा ही लेंगे तो हम लोग जी तो सकेंगे। तो राजा ने कहा 10,000 रुपये क्या कुछ कम होते हैं रुपये, और तुम लोग इतने करना, मतलब कि इतने दुख में रहोगे तो जीने का मतलब ही क्या है। ये भगवान, मतलब कि उसने बोला जाओ और मैं नहीं दे रहा हूँ पैसे। तो सभी एक इंसान था वहाँ पे, उसने बोला कि आप अपने राजकोष में तो बहुत सारे पैसे बंद खर्च करते हैं, तो आप तो अपने राजकोष में बहुत 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 होता है। तो उसने कहा राजा ने कि मैं अपने दोनों हाथों से राजकोष का पूरा धन क्या आप फेंक दूँ, मतलब कि लौटा दूँ। तो राजा ने कहा, सभी लोग कहने लगे तो आप ठीक है आप नहीं लौटाओ, ये महल में न्यू डेली वस्तु कपड़े महल वहल की पूरी चीज़ें चेंज होती हैं, उसी में से ही कुछ एक एक कड़ी बचाया जाए तो भी हमारा ज़रूरतमंदियों को दिया जा सकता है। ये सुन के राजा जी को बहुत गुस्सा आया, उनने गुस्से में बोला यहाँ से चले जाओ, मेरे रुपए हैं, मैं चाहे उनको कहे उसको दान दूँ, चाहे मैं तलूँ क्या खाऊँ, कैसे भी खाऊँ, चाहे मैं उबला के खाऊँ, चाहे मैं तले हुए खाऊँ, मतलब कि चाहे मैं फेंकूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, ये तो मेरे पैसे हैं, आपको क्या। तो राजा को गुस्से में देखकर तो राजा ने फिर कहा तुम लोग यहाँ से निकल दो वरना तुम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो चुपचाप से यहाँ से सभी लोग निकल गए। राजा को क्रोध से उठते देख के सभी लोग डर चुके थे, तो राजा मतलब और सभी लोग भाग गए। तो राजा हंसते हुए बोला छोटा मुंह बड़ी बात, एक दो सौ रुपये मांग लेते तो मैं सोचता दे ही देता, बट आप 10,000 रुपये इतनी बड़ी अचानक इतनी बड़ी कीमत हो चुकी है, तो ये बात उसके उन सभी लोग राजा से मन में बोले ये राजा ठीक नहीं कर रहा है। ये राजा का कर्तव्य होता है जब जनता वो उसमें होती है, जब जनता उस उससे कराता है, जब जनता उस